नमस्कार, द नेशनल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। कोरोना के नए मामलों में कमी, लेकिन मौतों का आंकड़ा फिर बढ़ा। 24 घंटों में 4002 मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के कुल 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4002 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भारी बारिश, अंधेरी, सबवे में भरा पानी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बारिश से बेहाल है। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश, 24 घंटों में मिले 524 नए मामले, 10,000 से नीचे आए एक्टिव केस। रूस 10 लाख को वैक्सीनेट करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से काबू में आती दिख रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 524 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के 1,757 मरीज बीमारी को मात देने में सफल रहे हैं। सरकार बनने पर कश्मीर में फिर 370 लागू करेगी कांग्रेस, बीजेपी ने जारी किया दिग्विजय का ऑडियो। दिग्विजय के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर शाहजेब भी मौजूद था। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस ऑडियो 12 मई का है। अब उन्होंने पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के सामने कहा है कि कांग्रेस 370 हटाने के फैसले पर विचार करेगी। मेहुल चौकसी को झटका, डोमिनिका उच्च न्यायालय ने जमानत देने से किया इनकार। गीतांजलि जेम्स और भारत के अन्य मशहूर हीरा आभूषण ब्रांडों का मालिक चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आने से कुछ सप्ताह पहले ही देश से फरार हो गया था। G7 समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट 12 और 13 जून को कुल 3 संपर्क सत्रों को संबोधित करेंगे। IMD अलर्ट, अगले 2 घंटों में इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। IMD द्वारा कासगंज, रुड़की, हस्तिनापुर, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, गढ़मुक्तेश्वर, संभल, सहसवान, जंगीराबाद, बंदायू, नरौरा, मुजफ्फरनगर, चंदौसी और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की संभावना जताई गई है। कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए भारत ने मुश्किल कार्य को संभव कर दिखाया, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत में चिंतित प्रवासी भारतीयों को आश्वासन दिया है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है और सरकार ने महामारी को रोकने के लिए मुश्किल दिख रहे कार्य को भी संभव कर दिखाया है। तमिलनाडु में 21 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, लेकिन पाबंदियों में कुछ ढील भी मिली। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की है। इसके तहत 35 दिन के बाद 14 जून से सैलून, पार्क और शराब की दुकानें खुल जाएंगी। पेट्रोल डीजल में भारी बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जोरदार वृद्धि का सिलसिला आज शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आज एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल के दाम 24 पैसे बढ़ गए हैं। कोरोना महामारी के समय कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि प्रदेश सरकार के साथ सभी मंत्री और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मिलकर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस महामारी की किसी भी लहर का सामना किया जा सके। UP, 7 जिलों में एक भी कोरोना का केस नहीं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चाल अब थमने लगी है। प्रदेश में शुक्रवार को जो सैंपल की रिपोर्ट आई है, उसमें 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमित शाह, नड्डा। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ विचार विमर्श किया है। वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं किया है। ओलंपिक से पहले रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा कारनामा, पोलैंड ओपन में जीता गोल्ड। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को यहां पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर साबित किया है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए उनकी तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली ने CCTV विवाद पर दिया अपडेट, कही ये बातें। अभिनव कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें उन्होंने केस को लेकर अपडेट दिया है। फ्रेंच ओपन, बारबोरा कैटरीना और ईगा बेथाने के बीच होगा महिला युगल फाइनल। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड डे टेस्ट डे 2, कॉनवे और यंग के अर्धशतक की मदद से मजबूत स्थिति में है न्यूजीलैंड। द
द फैमिली मैन 2 शो के मशहूर किरदार श्रीकांत तिवारी और चेलम सर पर खूब मीम बन रहे हैं जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी। धोनी के रिटायरमेंट पर बोले MSK प्रसाद, कुछ बातें चार दीवारों के अंदर ही रहें तो अच्छा है। जब धोनी क्रिकेट से दूर थे तो उस समय यह काफी चर्चा चल रही थी कि चयनकर्ताओं के साथ उनकी अपने फ्यूचर प्लान को लेकर क्या बात हुई होगी। चयनकर्ता को धोनी ने बताया होगा कि वह उनके ना खेलने के पीछे क्या कारण है, अब कब टीम में वापसी करेंगे। अनीता हसन अंदानी ने एक्टिंग को कहा अलविदा, एक्ट्रेस ने खुद किया ये बड़ा खुलासा। खबर आ रही है कि अनीता ने बेटे आरफ और परिवार के लिए अभिनय को अलविदा कह दिया है।